अब किसी बाहर वाले आदमी को समझा दे, अच्छा तीसरी पास है, 3 लाख कमाता है, ऐसा साला उल्लू उड़ा रहा है। यहाँ होता है साहब, यही पे होता है, दूसरा कोई जगह नहीं है, दुनिया की कोई प्रोफेशन नहीं है आपको जो आप, और 3 लाख में आप बता रहे ना, 3 लाख गया ना, एक वक्त आएगा जब 30 लाख रुपया महीना भी आप कमाओगे। बस एक बार
और आप सिक्योरिटी दे दो यार कि भागोगे नहीं, क्योंकि मेरा मेरा अब कहानी जो है, सही बता दू मेरी जो कहानी है अब शुरू होने वाली है, बस एक बार बस लग जाए कि नहीं भागेगा नहीं मेरा, नहीं मेरा मेरा लाल नहीं भागेगा। और अगर लाल भागा तो फिर लाल कर दिया जाएगा, तशरीफ लाल हो जाएगी। तो एक बार मैं चाहता हूं कि आप लोग थोड़ा सा हैंड रेस करो और क्रांतिकारी कुछ बड़ा करने वाले न हो। देखो एक चीज और मैं बता रहा हूं, सब लोग भी 13 करोड़ नहीं, ये भी आप भी जानते हो, आप भी समझते हो, सब लोग 13 करोड़ नहीं मिलेगा, किसको मिलेगा 13 करोड़ जो काम करेगा, और काम सब लोग नहीं करेंगे, लॉ ऑफ एवरेज में काम होता है। कुछ किसी भी इंडस्ट्री में दो तरीके के लोग होते हैं, एक होते हैं क्रिएटर और एक होते हैं यूजर। ज्यादातर नहीं, हर इंडस्ट्री एक होते हैं क्रिएटर एक होते हैं यूजर। यूजर काम करता है, यूजर यूज करता है, क्रिएटर को पैसा आता है। अब सवाल है कि एक यूजर भी क्रिएटर बन सकता है? जैसे आप जब पहली बार आते हो तब हमारे यहां एज ए यूजर ही आते हो, एज ए यूजर कोई भी हमारे एंट्री तो एज ए यूजर ही करता है, लेकिन बाद में हम धीरे धीरे हमारे संगत में रह के हमारे रंगत में उसका रंग ढल जाता है, वो ढल जाता है और वो फिर बाद में हो जाता है क्रिएटर। और जब क्रिएटर बन जाता है, जब लोगों को क्रिएट करना शुरू कर देता है, अपने बिजनेस को क्रिएट करना शुरू कर देता है, तो फिर उसको पैसे आने शुरू हो जाते हैं और फिर उसको, अब वो जितना बड़ा क्रिएटर बनेगा उसको उतना बड़ा पैसा आएगा। पानी है ना? तो आप सब यहां क्रिएटर हो, मैं आपकी गारंटी ले सकता हूं, अगर आपने वीजीएम छोड़ के आप नहीं भागे, देखिए आपके पास भागने के लिए 100 कारण है। हमारे वीजीएम में 1000 कमियां हो सकती है, हमारे वीजीएम में हो सकता है 1000 कमियां हो, लेकिन भागने के लिए आपके पास 1000 कारण, रुकने के लिए एक कारण काफी है, वीजीएम की मात्रा। रुकने के पीछे आपका एक कारण बहुत है, पता है वो कारण क्या है? बीजेपी ईमानदार है। आपका 5 रुपया भी रहेगा बीजेपी आपको ईमानदारी से देगी, आपका 50 करोड़ का इनकम आएगा वो भी आपको ईमानदारी से देगी, बीजेपी ईमानदार है। बस यही एक कारण है आपके रुकने का, अगर ना भागने के तो हजारों कारण हो सकते हैं, सी में फंस गए, डी में नहीं आया, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, फलाना हो गया, मेरे अपलाइन ने ये कह दिया, मेरे डाउनलाइन ने ये कह दिया, मेरा अपलाइन भाग गया, मेरा डाउनलाइन उड़ गया, ये हो गया, 1000 कारण हो सकते हैं आपके बिजनेस को छोड़ने के, लेकिन बिजनेस को करने का एक कारण हो सकता है आपका, और मैं बता रहा हूं बीजेपी ईमानदारी। बीजेपी ईमानदारी से अपना धर्म निभा रही है, बीजेपी ईमानदारी से अपना काम करती है और करती रहेगी, निश्चित तौर पे करती रहेगी। और जब तक बीजेपी है, जब तक बीजेपी चल रही है, आप लोग इसके साथ हो, तब तक वो ईमानदारी से अपना काम करती रहेगी और आपको आपका हिस्सा, आपको आपका पैसा जाता रहेगा, जाता ही रहेगा, इसमें रुकने वाला कोई सवाल नहीं ईमानदारी। लेकिन अब सवाल है कि हमारा क्रिएशन क्या है, हम क्या करने वाले हैं, हम क्या करें, बताऊं? यस सर, बताऊं? यस सर। निर्भर करता है कि हम इस टारगेट को कब तक पूरा करेंगे।
हमारा एक ही फोकस है, हमारा एक ही लक्ष्य है और वो है 5,000 करोड़ की कंपनी, कंपनी का 5,000 करोड़ का टर्नओवर। टर्नओवर हाउ टू बिल्ड, हाउ टू क्रिएट टर्नओवर, मतलब टर्नओवर कैसे बनता है, टर्नओवर में क्या काउंट होता है, सेल और सर्विस। आप या तो आप अपने द्वारा बनाए गए प्रोडक्ट को सेल करो या अपने सर्विस को आप सेल करो, या तो आप सेल करो प्रोडक्ट को या तो आप सेल करो सर्विस को, और उससे जो वॉल्यूम जनरेट होगा उसको हम गिनेंगे टर्नओवर में। ठीक है जी, यही होता है ना। अब हमारा लक्ष्य 5,000 करोड़ का टर्नओवर और हमें करना है सेल और सर्विस। अब सेल और सर्विस में, अब इसमें कैसे हम आगे बढ़ेंगे, अब आइए थोड़ा सा एक एक रूल होता है मार्केटिंग की दुनिया में, सेल्स की दुनिया में, ब्रेक ब्रेक द स्टोन। इस रूल का नाम है ब्रेक द स्टोन। यानी अगर आपके पास बड़ा लक्ष्य है, अगर कोई बहुत बड़ा पत्थर है और उसको आपको उठाना है, मान लो 2-4-5 सौ किलो का पत्थर है और आपको उसको उठाना है, तो आप नहीं उठा सकते अकेले। लेकिन यहां 100 लोग हैं और उसको तोड़ दिया गया 100 भाग, तो निश्चित तौर पे सब लोग थोड़ा थोड़ा उठा लेंगे और वो पत्थर पूरा उठ जाएगा। तो 5,000 करोड़ ना अकेले आप कर सकते हो ना अकेले हम कर सकते हैं, लेकिन अगर हम सब लोग इसमें हिस्सेदार बन जाए, इसको हम तोड़ दें तो हम कर सकते हैं। 5,000 करोड़ का अगर हम इसको तोड़ते हैं एक साल, टर्नओवर कभी भी कंपनी के का एनुअल माना जाता है, एनुअल कंपनी के टर्नओवर को माना जाता है, सेल परचेज के सेल्स के टर्नओवर को हम एनुअल काउंट करते हैं। तो एनुअल में अगर 5,000 करोड़ को अगर आप एनुअल में निकालो तो इसमें डिवाइडेड बाई 12 तो कितना हुआ, 12 × 48 लगभग 400 करोड़, लगभग 400 करोड़ मंथली। हाँ जी, अब अगर 400 करोड़ मंथली है, 400 करोड़ अगर मंथली आप मानो, अब इसमें फिर डिवाइड करो 30 से मंथली, मतलब डेली का निकालो तो कितना हो गया, 13×40 13 करोड़ मानो। ओके, अब सवाल ये है कि हमारी रीजन 13 करोड़ पर डे का टर्नओवर कैसे करे, बहुत मामूली है, पर डे 13 करोड़ का टर्नओवर बहुत मामूली है। कैसे मामूली है, अभी पर डे हम लोगों ने 5 लाख तक को किया है, एक सर्विस था तो 5 लाख तक का किया है ना हम लोगों ने पर डे, किया नहीं किया, क्यों कर लेते हैं या ना 5 लाख का, क्यों ऐसे 5 लाख तक का तो हुआ ना एक दिन में, 5 लाख तक का टर्नओवर हुआ है, तो 5 लाख का अगर हो सकता है तो 50 लाख। और 5 लाख कब किया, जब हमारे पास थोड़ा सा नेटवर्क था, अगर इसी के एवरेज में नेटवर्क बढ़ जाए तो हम 50 लाख भी कर सकते हैं, 1 करोड़ भी कर सकते हैं, 13 करोड़ भी कर सकते हैं ना। लेकिन सवाल यह उठता है कि करेंगे किस चीज से, क्या हम 13 करोड़ का टर्नओवर केवल टूरिज्म बेच के करेंगे, ना संभव ही नहीं। क्या हम होटल खोल के 13 करोड़ का टर्नओवर कुछ कर लेंगे, ना संभव ही नहीं है, संभव है लेकिन तेल निकल जाएगा। फिर कैसे करेंगे, टूथपेस्ट लॉन्च करते हैं एलोवेरा लॉन्च करते हैं, सबसे अच्छा है, 100 का माल 1300 में बेचा जाए। तुलसी ड्रॉप कैसा रहेगा आंख में डालने वाला, ये इसको लॉन्च करते हैं, बोलो सर सर्विस सेक्टर के अंदर है ना, सर्विस सर्विस सेक्टर। अफसोस कि आप तो समझ गए लेकिन बड़ी बड़ी कंपनियों के बड़े बड़े मालिक अभी भी नहीं समझ रहे, और बड़ी बड़ी कंपनियों के बड़े बड़े मालिक के बड़े बड़े नेटवर्कर वो अभी भी नहीं समझ रहे।
आज भी बेचारे पेस्ट जाके खींच रहे प्लास्टिक पे खींच के दिखाते हैं। ये देखो सर प्लास्टिक का रंग छूट गया, इसी तरह आपके जो है दांत का रंग छूट जाएगा। जापान में जो ज्वालामुखी फटती है उसमें से जो लावा निकलता है उस लावे को कोई लूट के लाता है और उसको ये पेंडेंट बनाता है, और ये पेंडेंट जब तुम्हारे शरीर में सटता है तो लावा जैसा तड़पता बढ़ता तुम्हारा शरीर होता है। और कब समझा रहा था 2008 मैंने कहा अच्छा, फिर कह रहा सर आपको मैं डेमोन्स्ट्रेशन देता हूं, ये लो सटाओ लावा, सटा दिया यहां और पीछे का हाथ ऐसे पीछे बांध गया और फिर ये उठना रख के चढ़ गया। देखो सर आपके अंदर ताकत आ गई। हमने कहा हटा के फिर चढ़ो, फिर चढ़ा तो अभी भी ताकत है। कहा कि हाँ एक बार सड़ता है तो एक महीने तक रहता है। जी वो जी पता नहीं नेटवर्किंग में क्या क्या ये लोग और इनको मिल भी जाते हैं ऐसे लोग सटाने वाले सटने वाले पता नहीं क्या है। साहब ऐसे ऐसे प्रोडक्ट ऐसी ऐसी चीजें। एक कहा कि सर ये है कौन गोली है कहां से आया है कौन एक कौन कुकुर मुत्ता जमता है कौन पहाड़ पे, उस कुकुर मुत्ते के छाते से निकला हुआ ये गोली है, इसको मोटा आदमी खाएगा पतला हो जाएगा और पतला आदमी खा लेगा तो मोटा हो जाएगा, जिसको जिसको थोड़ा दूर दिखता है तो उसको 3 किलोमीटर दिखने लगेगा गोली खाने के बाद। कहा यार मेरा मेरा हो जाएगा कुछ, कहा सब थोड़ा वेट करना पड़ेगा। ऐसे ऐसे कारनामे ऐसे ऐसे कहानी ये लोग बेचते रहते हैं, लेकिन हम इन सब कहानियों में नहीं पड़ेंगे, ना एलोवेरा बेचेंगे ना कहीं ना कुछ। हमें क्या करना है, बना बनाया मार्केट। आप मेरी तरह सोच के देखिए, अब सोचो मैं जो सोचवाना चाहता हूँ आपसे, जो मैं इमेजिन कराना चाहता हूँ, सोचो एक बना बनाया मार्केट क्या है। बना बनाया मार्केट जिसको हम क्या कहते हैं, ट्रेडिशनल मार्केट। ये मेले भूल जाओ, ये सब फर्जी बातें भूल जाओ, मेले पाले ये सब सारी बातें भूल जाओ, एक झटके में भूलो इसको और सोचो मैं जो कह रहा हूं। एक बना बनाया मार्केट है जिसको हम कहते हैं ट्रेडिशनल मार्केट, जिसमें करोड़ों लोग इन्वॉल्व हैं, करोड़ों यूजर्स मौजूद हैं, करोड़ों के संख्या में दुकानें मौजूद हैं, करोड़ों की संख्या में उसको डील करने वाले मौजूद हैं, लाखों की संख्या में प्रोडक्ट मौजूद है, है नहीं है? तो क्यों ना कुछ ऐसा जुगाड़ सोचा जाए। और लोग कर ही रहे हैं करोड़ों का टर्नओवर, ट्रेडिशनल मार्केटिंग में करोड़ों का टर्नओवर तो हो ही रहा है। आप सोचो हमारे देश में, हमारे देश में 130 करोड़ लोग हैं, कोई व्यक्ति बिना खाए बिना भूखे नहीं सोता, बिना खाए नहीं सोता, भूखे नहीं सोता, तो हर आदमी का महीने का कुछ ना कुछ खर्चा होता है, गरीब आदमी का थोड़ा कम खर्चा होता है, अमीर आदमी का बहुत बड़ा खर्चा होता है, होता है नहीं होता? और वो कहां होता है, इसी मार्केट में, इसी देश के इसी व्यवस्था में आया ना। तो क्यों ना कुछ ऐसा जुगाड़ बनाया जाए कि हम इस व्यवस्था में हिस्से मार लें, हम क्यों अपना प्रोडक्ट लॉन्च करें, क्यों फर्जी का दिमाग उतना खर्चा करें, क्यों हम फर्जी का उतना इन्वेस्टमेंट करें, क्यों हम फैक्ट्रियां लगाएं, क्यों हम ये सब करें, क्यों ना कुछ ऐसा करें कि ये जो हो रहा है इसी में से कुछ प्रतिशत का हिस्सा हमारे पास आना चाहिए।